जी। हेलो जी, क्या हाल चाल? आप बोल रहे हो गए हमजा के पास बाइक है, फिर भी पैदल कहाँ जा रहे हैं तेजी तेजी हाँपते हाँपते। एक्चुअली अभी हम बैंक रोड घर से निकले हैं, बैंक रोड में हैं और कितना सन्नाटा है, आपको पीछे दिख रहा होगा, कहीं पे कुछ भी नहीं है लोग। तो अभी जो हम हैं जा रहे हैं, एक्चुअली टाइम हो रहा है, कॉल भी आ गया। हाँ अमन, बस बस आ गए, धर्मशाला चौक पे ही हैं। बस बस एक मिनट, बस पहुँच गए हम। आप लोग सोच रहे होंगे दौर क्यों है। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले हैं, ऐसे लोगों को तो हम लोग से कुछ जो मदद हो सक रहा है वो करने जा रहे हैं। कुछ गरीबों को खाना देना है, ज़रूरतमंद को। तो बस वहाँ पे वेट कर रहा है मन, पहुँचते हैं पहले। भाई साहब इसीलिए बोले थे कि 10 मिनट पहले बता देना। नहीं, वो हमने जल्दी गाड़ी, जाम नहीं था इसलिए हम पहले निकल गए। तो जाम तो रहेगा ही नहीं ना लॉकडाउन। एक मिनट। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय हमजा मुर्तजा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं कुछ ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाने, जो हम लोग से हो सक रहा है ये पूरा मैनेज किया है ऐमन ने, और ऐमन का एक फ्रेंड है बिलाल नाम है। तो कुछ 50 पैकेट्स है खाना के, जो हम लोग जाएंगे मारीपुर के एरिया में और देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। तो पहुँचते हैं वहाँ, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं। तो ये ऐमन का नर्सिंग होम है और यहाँ पे हम लोग इसलिए रुके हैं, ऐमन गया है ग्लव्स लाने के लिए, अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा सिचुएशन है अभी के हिसाब से। तो ग्लव्स व्लव्स पहन के ही जाना, आप लोग भी अगर हेल्प कर रहे हो किसी का भी तो पहले अपनी सेफ्टी भी ज़रूर से देखना। अभी जो हम लोग हैं मारीपुर में, मारीपुर में आप लोग रिलायंस डिजिटल मॉल देखोगे, मॉल के ठीक सामने से रिलायंस डिजिटल जो स्टोर है उसके सामने से गली आती है, वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। टोटल कितने लोग हैं, मतलब यहाँ पर टोटल 15 फैमिली है, और फैमिली में कितने लोग हैं? 15 लोग में घर, एक घर में 10-10 बच्चा है, घर में 10-10 बच्चा है, तब तो 150 लोग है, बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं तो अगले संडे भी 50 आदमी का अगर खाना रखा जाए तो ठीक है क्या? तो अभी आप लोगों ने देखा, जैसे हम लोग यहाँ पता किए 15 घर है और हर घर में 5, 8, 10 ऐसा ऐसा है ही, एक एस्टिमेट रखा जाए तो 50-70 लोग होंगे ही, 100 भी जा सकता है। तो हम लोग से जो हेल्प हो सक रहा है वो तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से अपने जगह पे, आप लोग के तरफ भी बहुत सारे लोग होंगे तो आप लोग भी वैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। और अभी हम लोग निकलेंगे रास्तों पे, सड़कों पे जो रिक्शा वाले होंगे, जो भी लोग ऐसा दिखेंगे उनको देंगे। और कहाँ है, एक और तो आप ही लोग कर। लॉकडाउन जो लगा हुआ है तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, मतलब आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? 2 घंटा हो गया, कोई सवारी कुछ नहीं मिला होगा आप लोग। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं, मतलब कमान? 5 आदमी है। कमाने वाले आप अकेले? किस तरह इस लॉकडाउन में कैसे आपका घर चल रहा है, मतलब बहुत परेशानी हो रही होगी? अल्लाह ही चला। जैसे आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे रिक्शा वाले हैं, कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या 2-3 घंटा हो जा रहा है लॉकडाउन में, कोई बैठ भी नहीं रहा ना, डर से कोई ले भी नहीं रहा, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है। इन लोगों को, मतलब जो रोज़ के कमाने खाने वाले, कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग जैसे हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको बता दें तो ये हम लोग कोई गार्जियन ने नहीं कुछ किया, हम लोग अपने अपने पॉकेट मनी से करके ये मदद कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा। और आप लोग भी, हम लोग तो संडे संडे का सोचे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं डेली करना तो आप लोग अगर चाहें तो हम लोग का पेटीएम नंबर डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं हेल्प करने के लिए। अभी फिर आगे चलते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं ब्रह्मपुरा चौक पे, तो ब्रह्मपुरा ही चौक बोलते हैं ना,
ब्रह्मपुरा ही चौक बोलते नहीं, ब्रह्मपुरा ही है पूरा मेडिकल एरिया, किस तरह सन्नाटा है यहाँ पे। अगर मुजफ्फरपुर में ऐसे मतलब नॉर्मल डेज में यहाँ पे आओ और यहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट जाम में नहीं फंसो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ रिक्शा वाले थे उन्हें हम लोगों ने खाना दिया है और अभी हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। ये जो है कैंटीन है और ये मतलब ब्रह्मपुरा जैसे इन करने से पहले ही है, लिच्छवी होटल के ठीक सामने, यहाँ पे गरीब लोग का खाना। कल हम आए थे यहाँ पे, कल भी मतलब हम कल दिन में गए थे उधर बैरिया साइड, तो कल यहाँ पे देखे थे बहुत सारे लोग खाना वाना खा रहे थे। तो यहाँ पे भी खाने पीने का इंतजाम है, जो गरीब लोग हैं मतलब जो रिक्शा वाले लोग हैं उनको। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाते होंगे, नहीं खा पाते होंगे, तो उन लोग हैं। आप लोग के मोहल्ले में ही कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे, आप लोग के एरिया में, आप लोग कॉलोनी में भी ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनको आपके मदद की ज़रूरत है, तो आप लोगों को उन तक पहुंचना चाहिए, आपका फ़र्ज बनता है ऐसे सिचुएशन में वहां तक जाने का। तो अभी बहुत सारे पैकेट बचे हुए हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और करवाला चौक के पास हैं, जहां भी जो भी रिक्शे वाले दिख रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं, जो भी ऐसा ज़रूरतमंद लोग दिख रहे हैं उनको दे रहे हैं खाना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ डेली हो सके तो आप लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट मनी हम लोग कोई बहुत बिजनेस है नहीं, कोई ऐसा धंधा भी नहीं है। यूट्यूब से भी अभी एक रुपया भी नहीं मिल रहा है जो हम इसमें लगा सके, तो जितना हो सक रहा है कर रहे हैं और आप लोग मदद करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। टावर पे जैसा सिचुएशन है, बैरिकेड लगाया गया है। सीधा चलिए, सीधे की तरफ चलिए, ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे। जी गरीबों को खाना बांटने के लिए निकले हम लोग, पूछ रहे हैं कहाँ है जी तो लोग। एक्चुअली हम लोग सब लोग बच्चे लोग हैं ना, तो देख के सोचा होगा कि लोग घूम रहा है यार, उन लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं तो पूछेंगे ही। ये लोग का जो ऐसा हालत है, बैठे रहो, ऐसा हालत है, इन लोग को देख के भी कोई नहीं पूछता होगा। रिक्शा वाले को दो, रिक्शा वाले जो है। हम लोग पक्की सराय चौक पे हैं, पक्की सराय चौक पूरा सन्नाटा है यहाँ पे, कुछ विकलांग लोग दिखे थे। आगे चलते हैं, वहाँ कभी रौनकें हुआ करती थी, वहाँ का कुछ ऐसा हाल है, पुलिस भी नहीं है कहीं पे नहीं। यहाँ पे कुछ पैकेट्स बच गए हैं जो यहाँ पे चर्च रोड के पास है, हम लोग बस यहीं पर लगाइए। यहाँ पे कुछ घर है, हाथी चौक से आगे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे भी है ज़रूरतमंद लोग, उन लोग को देते हैं। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ऐमन और क्या नाम है बिलाल, देख रहे हो भाई, सेवन्थ में है भाई मेरा, छोटा सा मेरा छोटा, जो छोटा भाई उसके हिसाब का है, छोटा भाई है समझो। तो जब ये बच्चे भी कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, अपने पॉकेट मनी से इस तरह गरीबों की मदद कर सकते हैं। इतना अच्छा लगा है ना यार, स्माइल देख के लोगों के, जिनको हम लोग पैकेट दिए, जो मतलब भूखे थे वो लोग खाना खाए तो उनके चेहरे पे देख के जो स्माइल खुशी मिली है ना, दिल को बता नहीं सकते हैं। वो हम लोग जाके इधर उधर पैसा उड़ाना वो खुशी नहीं मिलती है। तो आप लोग भी हेल्प करें ऐसे गरीब लोगों की, और हम लोग चाहेंगे तो डेली भी ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और इस व्लॉग को क्या करना है आप लोग कर दीजिए, शेयर कीजिएगा तो सपोर्ट होगा हम लोग को, हम लोग को और जज्बा मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा तो हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग का हेल्प करेंगे। तो बस अपनी निकलते हैं घर पर, डोनेट। हाँ एवन बोल रहा है कि यार हम लोग कब तक करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे पेटीएम का, उस पर भी आप कर सकते हैं हम लोग भी, क्योंकि नेक्स्ट संडे भी हम लोग करेंगे। तो फिर बाय।